नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और आज हम पहुंचे हैं सीपी ऑफिस। ये देख सकते हैं आप सामने सीपी ऑफिस है। कमिश्नर ऑफिस के बाहर तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं। ये महिलाएं हैं और पुरुष हैं, ये देखते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं। खेड़ी थाने का मामला है और भारत कॉलोनी नहर पार भारत कॉलोनी से आए हुए हैं। क्या है मामला, क्यों आज ये यहाँ पहुँचे, इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमीना जी। शमीना जी, क्या हुआ जो इतने लोग यहाँ पहुँचे? बात यू हुआ जी, हमारी मंडी थी हनुमान मंदिर के पीछे, जो 25 साल से मंडी लग रही थी उसमें अम्बेड बाबा की धर्मशाला बना दी जी और मूर्ति धर दी जी। वहाँ से उखेर के हम सार जमा दिए लम्बरदार ने और नरेश लम्बरदार प्रधान पार्षद, ठीक है जी। उसने गड्ढा था इतना बड़ा बड़ा, उसने दो चार ट्रॉली गिरवाई अपनी तरफ से, बाकी हमारे बंदों ने 1,90,000 की मट्टी घेरी जी। मट्टी घेर के हमारे 52 आदमी है जी, हमने वो जमाए, जमा के हमारी मंडी थोड़ी सी चल गई। अब दमन पार्टी कभी तो हमसे ये कहती है लाट लगवाओ अपनी मंडी में, जनरेटर लगवाओ और फरार। हमारे पास बैटरी है और बैटरी से हम अपना गरीब गुजारा कर रहे हैं, ठीक है जी। उसने उसी में है का है गवर्नमेंट की जगह में उसने 8 दुकान बना रखी है जी। अच्छा, वो जो, जो जमीन जिसमें आपने मिट्टी गिरवाई थी नहीं, वो नहीं, मिट्टी मैंने उसमें साइड में थी और अवैध कब्जा था, उसमें मिट्टी गिरने का कोई प्लान ना था। साइड में बीच में रोड आ रहा, साइड में तिकोनिया सी, उसमें उसने 8 दुकान बना रखी है जी। और अब कोई बंदा हमें मारपीट करता है, खड़ी गाड़ी में आग लगा देता है, फिर फैसला कर लेता है और फिर हम गरीबों को सताता है। कौन है वो? नित्रपाल है जी, वकील नित्रपाल, एडवोकेट वकील है जी। अच्छा, वकील है नित्रपाल जी। तो ये जो जमीन थी, जो जगह थी जहाँ आपने भी मिट्टी गिरवाई, वो भी सरकारी जगह? हाँ जी, वो भी सरकारी है। तो हम निवेदन है हमारा, हम ये कहते हैं हमारी तेवाजारी का सरकार हमसे हुकूमत मांग के सरकार ले सकती है और हमसे दूसरा नहीं ले पावे। दमन पार्टी ने हमारे ऊपर नहीं चल पावे। तो वो क्या कहता है? वो ये कहता है इसमें लाट लगाओ और नहीं तो इसमें फड़ कटवाते हैं। थोड़ी सी जगह हमारी रेड़ा को, रेड़ा जैसे रेड़ा हमारे आते हैं सब्जी के, वो खड़े करने को थोड़ी सी जगह है हमारी, उनमें फड़ बना दिए हैं और उसमें हमारा रेड़ा नहीं खड़े उन अंदर है। अच्छा। हाँ जी, आदमी ने लेवा लाते हैं, मारपीट करते हैं, तमंचा चलाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग सब पैसे दो हमें। हाँ जी, हमें पैसे है ना, मतलब वसूली करेंगे, लाइट लेंगे और पैसे दो और उसके एवज में तब यहाँ लगाओ दुकानें। क्या नाम? संजय देवी। आप भी वहीं लगाते हैं जी सर? कब से हो रही है? अभी 10 दिन से हो रहा है ना दीदी, 10 दिन से, 4-5 महीने से। और अभी वहाँ लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? हाँ, अभी लगातार वहीं पे लगा रहे हैं। रेड़ा मोटरसाइकिल खड़ी कर देते हैं, उनको ताड़ते हैं वो कि यहाँ मत लगाओ। अच्छा। यहाँ जगह पे ऐसे करके अब लगवा दिए उसे और लड़ाई झगड़ा करते हैं, परेशान करते हैं। हाँ, परेशान करते हैं, परेशान करते हैं, मतलब लगाने नहीं देते कि यहाँ मत लगाओ, नहीं देते। अगर पैसे दोगे तो लगाओ, हमारी लेट लगाओ, हमें भी इसमें करो। इतना धन होते भाई भी, जब भी उस गरीब आदमी को पेट पे लात मार रहे हैं वो लोग, गरीब आदमी को है? तो आपने वहाँ शिकायत करी थी खेड़ी थाने में? हाँ, शिकायत करी है तो खेड़ी थाने में कोई नहीं सुनवाई हो रही है, कोई सुनवाई नहीं। हाँ, कई बार चले गए और हम पे को कंप्यूटर पे लिख लिख के हमारे नाम एप्लीकेशन और गिरता है हमारे बच्चों ने और फसादा। एक लेडीज रहती है उसके पास, उसके उसी के पास काम करती है, वो छेड़छाड़ी का अपने ऊपर केस ले लेती है। अच्छा। और हमारे लॉन्डन ने फंसाती है, बदतमीजी करी। हाँ जी, बदतमीजी करी है, हमें मारता है पीटता है, यू हाल हो रहा है जी हमारे साथ में। अच्छा। हाँ जी, गुंडा कर देगा। हाँ जी, हाँ जी, थाने में कोई सुन नहीं रहा, कोई सुनवाई ना। वो थाना तो उनके पास दावत खाता है, पार्टी करते हैं, मुर्गा की पार्टी करते हैं, वहाँ आते हैं ऑफिस पे और रेड़ फेर के चले जाते हैं थाने वाले। हाँ जी, हाँ जी, नहीं होती। तो आज यहाँ पहुँचे हैं फिर सीपी साहब? हाँ जी, सीपी साहब जन क्या फैसला रखते हैं जी, क्या हमारे लिए क्या शुभकामना करते हैं जी, इस बारे हम आते हैं सीपी साहब के पास। तो आज यहाँ पहुँचे हैं और अभी जाएंगे अंदर जी। तो देखेंगे इन्हें क्या सहूलियत मिलती है, वो क्या कहते हैं, क्योंकि खेड़ी थाने में तो सुनवाई नहीं हुई जी। जिसको लेकर आज देख सकते हैं ये तमाम लोग हैं, जो रेड़ी पटरी वाले जो अपने मंडी लगाते थे, फल फ्रूट सब्जी की जो रेड़ियाँ लगाते थे, वहाँ कोई नेत्रपाल नाम का कोई वकील है,
वकील है जो इन्हें परेशान कर रहा है और इनसे कोई शायद अवैध वसूली की मांग कर रहा होगा, जिसको लेकर इन्होंने खेड़ी पुल थाने में कंप्लेंट करी और वहाँ कोई सुनवाई ना होने के बाद आज ये यहाँ सीपी ऑफिस पहुँचे हैं कमिश्नर साहब से मिलने के लिए और देखते हैं कि क्या होता है, वो भी आपको बताएंगे। और मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता, जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।